कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। डेफिनेटली ऐसे लगता है कि अरे यार थोड़ी और कहा, कुछ तो रह रहा है जो मुझे पीछे खींच रहा है, जैसे कि वैसे ही चाहिए म्यूजिक में। ऐसे लाइक इंट्रो म्यूजिक हुआ या फिर कुछ भी हो, उनको वैसे के वैसे चाहिए सब कुछ, एकदम क्लीन सॉर्टेड दिमाग। सो हाय नचिकेत, वेलकम टू टेंचर्स का। एंड इस बार इंडियन आइडल से आप अच्छी परफॉर्मेंस हमें आपसे देखने मिली है। सो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पूरी जर्नी किस तरह से रही। सो इंडियन आइडल की पूरी जर्नी वाज अ ड्रीम, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इंडियन आइडल, और इतने बड़े नाम और इतने बड़े लाइक आई वाज सो प्रिविलेज्ड, आई वाज सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन आइडल सीजन 12, और वो भी टॉप 10 तक। तो इतने आगे तक पहुंचना एक तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से, कि जैसे मैंने पिछले इंटरव्यूज में बताया था कि आई वॉज नॉट प्लानिंग टू कम लाइक टू टेक पार्ट इन दिस सीजन, बट ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड, डियर फ्रेंड रोहित श्याम राउत, जिसने मुझे पुश किया एंड हु बिलीव्ड इन मी। और फिर उसके बाद वो जर्नी बस चलते गई, और आई ट्राइड, आई वर्क हार्डर, और मैं टॉप 10 तक पहुंच गया। सो इट वॉज अ ड्रीम लाइक जर्नी, एंड आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो इंडियन आइडल लाइक इज ओके। आपने यू नो इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लिखा था काफी इमोशनल इंडियन आइडल की जर्नी को लेकर, एंड काफी सारी चीजें लिखी थी उसमें, तो वो पोस्ट लिखने का यू नो क्या रीजन था और क्यों लिखा? सो देयर इज ऑलवेज, मतलब हर बार एक कुछ ना कुछ चीजें होती है जो मन में होती है, और वो हम दिल से कुछ फील करते हैं, इसलिए वो हम कहना चाहते हैं। सो इंडियन आइडल इतने दिल के करीब मेरे हैं कि आई थॉट कि मैं जो भी फील करता हूँ इंडियन आइडल के बारे में या फिर मेरे जर्नी के बारे में आइडल के, तो वो मैं शेयर कर सकूँ। तो मुझे जितना भी सीखने मिला, मुझे मैंने जो कुछ चैलेंजेस मैंने फेस किए, जो कुछ मैंने खुद को समझाया कि ओके नचिकेत, यू कैन ट्राई दिस थिंग, ये डिफिकल्ट लग रहा है बट ये फिर भी तू अच्छा कर सकता है, अगर चैनल तुझ पे ये कर रहा है, विश्वास रख रहा है, अगर चैनल इज हैविंग फेथ इन यू एंड ही नोज, चैनल नोज कि यू कैन डू इट, देन यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू ट्राई इट लाउडली। सो मैंने बहुत चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया था इस सीजन में, और आई एम वेरी ग्लैड एंड गॉड इज रियली काइंड, रियली ग्रेट कि उसने मुझे सही राह दिखाई और सब अच्छी तरीके से, वेरी स्मूथली इट हैपेंड एंड इट बहुत अच्छी तरीके से हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे रोल्स, मेरे जो मैंने कैरेक्टर्स किए थे, तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगा, बट इट वाज इंडियन आइडल जिसने मुझे मुझ पर विश्वास रखा, हु पुश्ड मी एंड हु हैड फेथ इन मी कि मैं कर पाऊंगा, और मैंने किया। सो मुझे बस बोलना था कि यार दिस वाज लाइक बहुत दिल से आया जो भी आया, और मैंने बोल दिया। ओके, आपके यू नो फेवरेट परफॉर्मेंस की बात करें जो आपने खुद दी है, तो वो कौन सी होगी और क्यों? ओके, सो मैं हमेशा कहते आया हूँ और मैं यही कहते मतलब कहूंगा कि द बेस्ट इज येट टू कम, बट एज हम अभी आइडल की बात कर रहे हैं, सो आइडल की जर्नी सैडली मेरी अभी रुक गई है, तो आइडल के बारे में मैं कहूंगा तो देयर वर मेनी परफॉर्मेंसेस एक्चुअली, जो आज अगर मैं देखूंगा पीछे तो आई रियली फील प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि ये कैसे कर लिया है तूने नचिकेत, ऐसे ऐसे मैं खुद को कह रहा हूँ कि अरे यार गुड यार, मतलब अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा किया तूने। और फिर वो पूरी प्रोसेस याद आती है कि उसके पीछे कैसे कैसे मैंने मेहनत ली थी और वो सब की थी। सो आई वुड नेम थ्री ऑफ देम। सो एक परफॉर्मेंस वाज एक चतुरनार फ्रॉम ग्रैंड प्रीमियर, ग्रैंड प्रीमियर में मैंने परफॉर्म किया था एक चतुरनार। फिर लोगों को मेरे थिएटर का गाना बहुत पसंद आया था, दैट वाज फुलिगेन द वाना मारो। सो म्यूजिकली इफ वी स्पीक फुलिगेन द वाना मारो, देन चतुर
then my name is Anthony Gonzalez. And जो dwarf बन के मैं आया था जिसमें मैंने अप्पू राजा का और मेरे नाम तू जीरो की जीरो फिल्म का गाना गाया था, ये तीन चार परफॉर्मेंसेज, इफ आई लुक अगेन टू द टू दोस परफॉर्मेंसेज आई रियली फील नाइस की गुड जॉब. मतलब यू नो टॉप 10 में आने के बाद थोड़ा सा मन में रह जाता है कि टॉप 5 या टॉप 3 जो भी है वहां तक पहुंच जाते तो और ज्यादा अच्छा होता. तो आपके मन में कुछ ऐसा है क्या? डेफिनेटली ऐसे लगता है कि अरे यार थोड़ी और कहा कुछ तो रह रहा है जो मुझे पीछे खींच रहा है यार, क्या क्या वो चीज है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर वो मेहनत में मैं कम पड़ रहा हूँ कि मैं आगे तक नहीं जा पा रहा हूँ. तो वो चीज डेफिनेटली मुझे खा रही है. बट इट इज ओके, मतलब आई एम बीइंग सेटिस्फाइड बिकॉज आई नो कि वो जो 9 जन अभी है वहां पे वो कितने टैलेंटेड, वो इतने अमेजिंग है कि आई कैनॉट कंप्लेन. मतलब दे आर ब्यूटिफुल. सो बुरा तो लग रहा है कि अरे यार उस 9 का हिस्सा मैं नहीं हो पाया, बट अच्छा भी लग रहा है कि बीइंग अ म्यूजिक being a representative of a music background, I can see there is a bright future ahead. And ye nine log are amazing. So bura definitely laga ki yaar at least top 7 tak chale jata, at least top 6 tak chale jata, top 5 tak chale jata yaar. Aise hota, aisa to definitely tha. But it's okay, it's life. There are ups and downs. So abhi usse naraz nahi hona hai zyada. We have to, it's a setback, so I have to jump. बहुत बड़ी छलांग लेनी है. Okay, you know, आपके tough competition की बात करें, जिन्होंने आपको tough competition दिया हो या आपने जिनको tough competition दिया हो, तो वो कौन है? So as मैं पहले से कहते आया हूँ कि हम मतलब हमारी एक बहुत ही beautiful family हो गई है. So हो गई थी sadly. फॉर मी है अभी भी, बट मतलब मैं अभी वहां नहीं रह रहा. बट ऐसे कभी लगा ही नहीं कि कुछ कॉम्पिटिशन वाला माहौल है या फिर यार तू ऐसे गा रहा है तो कभी मैं ऐसे गाता हूँ, यार तू ये हरकत ले रहा है तो कभी मैं ये हरकत लेता हूँ, ऐसे कभी नहीं हुआ था. मतलब मुझे याद ही नहीं है, मैं नहीं याद है, ऐसे है ही नहीं कुछ. सो कॉम्पिटिशन वाला कभी नहीं हुआ कि यार मेरे को इससे आगे जाना है या फिर मुझे इसको हराना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ये इससे आगे जाना या इसको हराना है, ये जब भी तुम्हारे माइंड में आएगा वहां तुम्हारे माइंड में नेगेटिविटी आएगी. सो ये नेगेटिविटी को आने ही नहीं देना है. सो व्हाट आई ऑलवेज थॉट वाज कि यार तू अच्छा कर, बहुत अच्छा कर, तू बहुत अच्छा गा, मैं भी बहुत अच्छा गाऊंगा, मैं तेरे लिए प्रे करता हूँ, तू मेरे लिए प्रे कर, हम सब एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे और हम सब एक दूसरे को हाथ में हाथ पकड़ के अपना एक साथ आगे जाएंगे. सो इट वॉज लाइक दैट ओनली. सो देर इज लाइक ऐसे कभी दिमाग में ही नहीं आया कि मेरे को इससे आगे जाना है या फिर यार इससे पहले निकल गया मैं या फिर ऐसे कुछ, ऐसे कभी नहीं. ओके, इसके अलावा यू नो एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तीनों जजेस काफी कमाल है, धमाल है, तो तीनों जजेस को अगर आपको किसी सॉन्ग में यू नो गा के एक्सप्रेस करना हो तो वो कैसे करेंगे आप? कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करेंगे अलग अलग? ओके, अलग अलग. हाँ ओके, तो ये बहुत दिमाग वाला और टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, बट मैं एक तीनों को एक साथ मैं एक छोटा सा ये कह सकता हूँ. कैसे है ना कि दिस वाज माय डेब्यू सॉन्ग इन इंडियन आइडल और ये सब भी ऐसे मोमेंट्स पे जाता है क्योंकि इसके लिरिक्स इतने कमाल है कि ये मैं सबको दिल से यही कह सकता हूँ. तो मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ कि तीनों जजेस को मेरे से मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया. मेरे जैसे एक भटके हुए कलाकार को एक बहुत अच्छा गुरु मिल गया. सो ऐसे तीनों को मैं यही कहूंगा कि यू आर द स्वीटेस्ट, लवलीस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग जजेस आई हैव एवर बीन इन फ्रंट ऑफ एंड आई हैव एवर सर्व इन फ्रंट ऑफ. सो तीनों को बहुत बहुत प्रणाम एंड बहुत सारा प्यार. ओके,
तीनों जजेस में से एक एक क्वालिटीज अगर आप लेना चाहे या कुछ उनसे सीखना चाहे तो वो आप क्या लेना पसंद करेंगे? ओके तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तीनों जजेस इतने मैं ऐसे अगर कहूंगा कि सर्वगुण संपन्न, तो ये ऐसे लगेगा कि यार मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, बट है ऐसे कि दोस गाइज आर अमेजिंग। मतलब सबसे पहले तो मैं नेहा मैम से स्टार्ट करूंगा कि नेहा मैम से मैं लूंगा कि हाउ काम कंपोज्ड एंड द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, लाइक बीइंग अ सच अ ग्लोबल सुपरस्टार, शी इज सो काम, शी इज सो कंपोज, शी इज सो स्वीट टू ईच एंड एवरी वन। लाइक आई कुड सी हर रोमिंग अराउंड स्टेज पे, सबके साथ मिलजुल के रहना, सबको पूछना कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया क्या, आप ठीक हो ना, ये ऐसा नहीं करता कोई। ये मैंने बहुत सीखा नेहा मैम से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे पे ही ऐसे हुआ था कि ग्रैंड प्रीमियर के वक्त ही बहुत फट गई थी हम सभी कंटेस्टेंट्स की, एंड बहुत पहली बार हम लोग इतने बड़े स्टेज पे हम लोग गा रहे थे, तो हमको एक थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट चाहिए था। तब नेहा मैम ने कहा था कि डोंट वरी, ऐसे ये करो जैसे तुम फैमिली के सामने गा रहे हो, हम तुम्हारी फैमिली है, सो मेक ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट करो कि तुम अपनी फैमिली के सामने गा रहे हो। सो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सो वो बस हमने इमेजिन कर लिया कि जैसे ये हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, और उनको हमने सुनो सुनो मैंने मुझे गाना इसके लिए मैं गाऊँ क्या, तो मैं गाता हूँ, तो ऐसे मैं ऐसे हम जजेस के सामने गाना गाते थे। सो इट वॉज ब्यूटिफुल। सो नेहा मैम से मैं ये लूंगा कि स्वीटनेस, डाउन टू अर्थ नेचर, एंड ऑफकोर्स म्यूजिकलिटी। देन विशाल सर का परफेक्शन, ही इज लाइक परफेक्शनिस्ट, मतलब वो उनको ये गाने में ये ऐसे ही चाहिए, मतलब ये ऐसे ही चाहिए, स्पेशली द सॉन्ग ही हैज कंपोज्ड। सो अगर म्यूजिक पीस मैंने ऐसे कंपोज किया है तो ये ऐसे ही बजना चाहिए। अगर ये मतलब तुम थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते, आई माइट नॉट लाइक दैट। सो ये जो परफेक्शन की जो एक ओड है उनको कि मुझे ऐसे ही चाहिए, ये ऐसे तूने बहुत अच्छा गाया बट ओरिजिनल में ना ये ऐसे है, तो अगर तू थोड़ा और सुन लेता या फिर तू ओरिजिनल पहले दिखा के फिर तेरे वेरिएशन डालता तो ज्यादा इट वुड हैव इम्प्रेस मी मोर। ये जो उनका नेचर है ना ये बहुत कमाल है, रिस्पेक्टिंग द कंपोजर्स व्यू फर्स्ट एंड देन द क्रिएटिविटी। सो विशाल सर का बीइंग अ परफेक्शनिस्ट ये नेचर मुझे बहुत पसंद है, एंड ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन। एच आर सर यार ही इज द स्वीटेस्ट, मतलब बहुत स्वीट। एच आर सर की मैं पंक्चुअलिटी एंड क्या बोलते हैं उसको पंक्चुअलिटी एंड पेशेंस इतने पेशेंट और इतने काम किसी को मैंने देखा नहीं है। बहुत बहुत ही इज वेरी पंक्चुअल अबाउट एवरीथिंग, वैसे ही चाहिए म्यूजिक में। ऐसे इंट्रो म्यूजिक हुआ या फिर कुछ भी हुआ, उनको वैसे के वैसे चाहिए सब कुछ, एकदम क्लीन सॉर्टेड दिमाग और पेशेंस। तुम नहीं हो रहा है तो तुम और मेहनत करो, कोई बात नहीं और मेहनत करो, कोई बात नहीं और मेहनत करो, मतलब गुस्सा नहीं होते जल्दी, एकदम काम कंपोज और वेरी पेशेंट। सो बहुत कुछ चीजें हैं जो जजेस से सीखने लायक है। सो मैंने जैसे कहा कि तीनों जजेस सर्वगुण संपन्न है, और उनसे एक एक चीज मांगना वुड बी और मांगने दो ना, बहुत कुछ लेने लायक है ऐसे। ओके सो नचिकेत, आपके फैंस काफी ज्यादा भड़के हुए थे आपके एलिमिनेशन से और बोल रहे थे कि पवनदीप एंड सवाई की वजह से आपको एलिमिनेट किया गया है, so what would you like to comment on that? So मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उसका हेडलाइन ऐसे था कि नचिकेत ने ललकारा पवनदीप और सवाई को, और उनको ऐसे कहा कि शांत नहीं बैठूंगा मैं, और ऐसे कुछ नहीं है। पवनदीप और सवाई ने क्या किया, वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त है और वो बहुत टैलेंटेड है। मैंने बस यही कहा था कि मैं अभी घर जाके शांत नहीं बैठने वाला, बहुत मेहनत करनी है अभी, मुझे बहुत ज्यादा आराम नहीं करना है, मुझे और अभी बहुत मेहनत करनी है क्योंकि अब जर्नी शुरू हुई है। सो आई वॉन्टेड टू से दैट, बट ऐसे कह रहे हैं तो पवनदीप और सवाई का तो कुछ नहीं यार, दोनों बहुत प्यारे दोस्त है मेरे, आई लव यू बोथ, आई लव यू पवन, आई लव यू सवाई, तो ऐसे कुछ भी नहीं है।
फैंस के लिए मतलब आई नो मतलब लोगों को पसंद नहीं आया मेरा एलिमिनेशन, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. Some part of me, even I wasn't expecting कि मैं शायद इतने जल्दी चले जाऊंगा, but it's part of life, it's a part of competition, यहाँ पे ups and downs होते रहेंगे, यहाँ पे चीजें बदलती रहेंगी, so it is fine. मतलब I'm really overwhelmed seeing कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है from the fans, and बहुत tweets में पढ़ रहा हूँ, मुझे ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं इस पे reply दूँ मैं नहीं दूं, मैं चांद से बस देखूं क्या कैसे क्या हो रहा है. बट आई कैन रियली से दैट कि तुम्हारे तुम फैन आप सब फैंस की सपोर्ट से प्यार से और आशीर्वादों से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मुझे आगे तक भी इसी बलबूते पे पहुंचना है. सो ऐसे ही प्यार करते रहिए मेरा मेरे म्यूजिक को, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके व्यूज की, ये सब्सक्रिप्शंस की बहुत जरूरत है. सो ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही बहुत आशीर्वाद दीजिए. ओके. और आपने ये भी कहा था कि यू नो आप अपना YouTube चैनल खोलने वाले हैं, उस पे वीडियो डालने वाले हैं, सो फर्स्ट वीडियो क्या होने वाला है? ओके, सो ये दिस वुड बी लाइक थोड़ा सा मतलब आई एम प्लानिंग फॉर सम स्टफ, मतलब एक्चुअली इवेंचुअली मैंने अभी तक वो ओपन करके डाल देना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम कि मैं वो मेरा चैनल अनाउंस करूँ और स्टोरीज में या फिर लोगों में सब में डालू कि ओके नाउ यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल. सो या आई हैव समथिंग प्लान्ड फॉर माई सेल्फ, सो होपिंग फॉर द करेक्ट टाइम एंड द करेक्ट प्लेस टू जस्ट लॉन्च इट. सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट की सब अच्छा हो. यस एब्सोल्युटली. आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन आइडल 12 के बारे में ये रूमर फैला हुआ है कि पवनदीप और अरुण नेता के बीच समथिंग यू नो कुछ चालू है, दे आर लाइक कपल गोल्स, सो इज इट ट्रू? अरे नहीं नहीं यार, ये ऐसे मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे वो दोनों, मतलब हम लोग एक साथ रहते थे, हम लोग एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, तो ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है. मतलब इवन कैसे हुआ ना कि स्टार्टिंग में उनको वो मजाक मस्ती में उनको चिढ़ाने लगे थे, तो सब लोग हम लोग उनको चिढ़ाते थे, तो हम लोग भी उनको पहले पहले चिढ़ाते थे, तो उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा कम कर दिया कि अरे यार तुम लोग को ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए और तुम्हारे फ्रेंडशिप पे वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे गाना करने हैं, ये सब हमको नहीं करना है, ये सब सेकेंडरी चीज है, पहले इज सिंगिंग एंड म्यूजिक. सो हम लोग भी पहले उनको चिढ़ाते थे कि अरे अरे जा 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 कुछ भी मतलब बुला रही है जा, ऐसे ऐसे हम लोग पवन भाई को करते थे, पर बाद में हम लोग ने भी बंद कर दिया क्योंकि हमको भी समझ गया कि अरे ऐसे कुछ नहीं है, ये बहुत बस एक साथ रहते हम, उनका अच्छा ग्रुप है बहुत, और हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते थे. सो या ऐसे ही है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है. बट या इट्स गेटिंग वायरल, रियली वायरल, मतलब बहुत लोगों को बहुत उत्सुकता है उन दोनों के बारे में जानने की. ओके ओके. इसके अलावा यू नो आपके लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफी इम्प्रेसिव था, नीतू जी ने खुद बहुत ज्यादा यू नो सराहा था कि काफी अच्छा आपने परफॉर्म किया है, सो वो एक मोमेंट कैसा था? आपको पता नहीं था कि आपका लास्ट परफॉर्मेंस होने वाला है. आई नो यस, वो मोमेंट मतलब तब नहीं पता था एक्चुअली कि ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस होगा, इसलिए मैं बहुत चिल होके आराम से आई वॉज एंजॉइंग म्यूजिक, और बहुत मतलब अच्छा था कि मुझे मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि अगर मुझे पता होता कि मैं निकलने वाला हूँ और फिर मेरे को गाना होगा, अगर ये मतलब अभी तो आपने सवाल पूछने के बाद मुझे अचानक ऐसे हो गया कि वॉट इफ नतीके तुझे पता होता कि तू शायद आज निकलेगा और तुझे गाना है अभी, तो क्या करता? सो इट वुड हैव बीन लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट नहीं तब पता नहीं था कुछ, तो आई वॉज लाइक जस्ट नॉर्मली जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ वैसे मैं परफॉर्म कर रहा था. द टू ग्लोबल हिट्स बचना ए हसीनो एंड छूकर मेरे मन को, ये नीतू जी के बहुत ऋषि जी का गाना, नीतू जी का गाना, ये बहुत फेमस गाने, और मुझे परफॉर्म करने मिला वो भी दानिश के साथ, दानिश अपना भाई, अपना शेर, हम उनको शेर बुलाते हैं, इवन वो भी खुद को शेर बुलाता है. सो
So it was a good energy and बहुत अच्छा लगा. और नीतू सिंह जी शी इज सो बिग, सच अ बिग नेम. उनके मुंह से हमारे लिए तारीफ सुनना और कुछ अच्छी बातें सुनना, ये दिस इज वॉट वी आर हियर फॉर, म्यूजिक के लिए और लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को खुशियां देने के लिए हम यहाँ पे हैं. तो वो कर रहे हैं हम, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा लगता है. ओके ओके. इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आप रियलिटी शो इंडियन आइडल तो कर ही चुके हैं, लेकिन इसके बाद यू नो खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस जैसा कोई शो करना चाहेंगे? खतरों के खिलाड़ी तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आई वुड लव टू स्टे इन म्यूजिक टू बी ऑनेस्ट. मतलब म्यूजिक के आसपास रहना ही पसंद करूंगा मैं दिल से, क्योंकि जो चीज हम दिल से करते हैं वही चीज हम अच्छी कर सकते हैं. सो अगर म्यूजिक हम दिल से कर रहे तो वो अच्छी करेंगे. सो दिल की सुनना है बस उसको. तो म्यूजिक के अलावा तो मैं शायद खतरों के खिलाड़ी वगैरह नहीं करूंगा. बिग बॉस भी, मतलब आई डोंट नो हाउ बिग बॉस एग्जैक्टली इज बिकॉज मैं फॉलो नहीं करता. तो आई डोंट नो, मतलब नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. म्यूजिक में ही रहना पसंद. Okay. But good question. I got to live that. Okay, what if? So it was a good question. Okay, okay. Fans के लिए क्या गाना dedicate करना चाहेंगे? अरे बाप रे, मैं fans के लिए usually तुम जो मिल गए हो dedicate करता हूँ, बट अब फंस गया मैं. But yeah, सोचना पड़ेगा. ठीक है. Okay. So fans के लिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि thank you so much guys. कि तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, इतना प्यार दे रहे हो, इतना लाइक आई कैन सी यू पीपल शॉवरिंग सो मच लव ऑन माय इंस्टाग्राम. इवन मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे सोनी के पेज पे भी बहुत वी वांट नचिकेत बैक, वी वांट नचिकेत बैक चल रहा है. सो दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू गाइज कि तुमको लग रहा है कि मुझे वापस आना चाहिए और फिर से कुछ तो होना चाहिए. सो आई डोंट नो, मे बी होप फॉर द बेस्ट, शायद कुछ हो जाए. बट मैं यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया. स्पेशली मैं मेंशन करूंगा नचिकेतियंस को, जो मेरा एक स्पेशल फैन बेस हुआ है, जिनके लाइक 100 से ऊपर शायद फैन पेजेस मेरे बन चुके हैं और वो नचिकेतियंस के नाम से जाने जाते हैं और उनका एक अच्छा ग्रुप हो गया है. वो उनसे एक दूसरे में बहुत अच्छे दोस्त बन गए. तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आई एम द सोर्स, कि आई एम मेकिंग पीपल meet each other, know each other. So बहुत अच्छा लगता है. So सबको बहुत बहुत thank you and lots of love. तुम लोग के लिए मैं दो लाइनें सुनाता हूँ जो मैंने शानुदा के एपिसोड में गाया था, कुछ ना कहो. तो थोड़ा सा सुना. तो तुम सभी लोगों के लिए मैं शानुदा के एपिसोड में गाया हुआ गाना थोड़ा सा सुनाता हूँ. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कर, Thank you.